हिमाचल में ओपीएस बहाली के बाद अब पिछली सरकार के दौरान आंदोलन की राह पकड़ चुके दूसरे संगठनों की आस भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बढ़ गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने की आस में करुणामूलक संघ के लोग भी सचिवालय पहुंचे। बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर सचिवालय पहुंचे करुणामूलक संघ के लोग उम्मीद जता रहे हैं कि ओपीएस संगठनों की तर्ज पर मुख्यमंत्री सुक्खू उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी मांगों को पूरा करेंगे। क्या कहना है हिमाचल करुणामूलक संघ अध्यक्ष अजय कुमार का, सुने। सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पिछली सरकार के समय हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था जिसमें मीडिया ने बहुत एक अहम भूमिका अदा की थी, उसके लिए हम धन्यवादी हैं। और आज प्रदेश भर के समस्त करुणामूलक परिवार जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्वप्रथम बधाई देने पहुंचे हैं और साथ में ही हम मांग पत्र सौंपेंगे ताकि आने वाली जो कैबिनेट है उसमें जो है करुणामूलक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं डिसीजन लें और जो भी हमारी डिमांड्स हैं और उनको प्राथमिकता दें। और जैसे ही ओपीएस बहाली के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी नायक कहलाए, वैसे ही हम ये चाहते हैं कि उसी तरीके से जो है हमारे लिए हम करुणामूलक परिवारों के लिए जो है एक मुस्त डिसीजन लें ताकि हम उनको जो है एक महानायक के रोल के रूप में जो है आगामी कैबिनेट में देख सकें। अगर सरकार हमारे लिए जो हम आज डिमांड करने जा रहे हैं उसके लिए प्राथमिकता से जो है पॉलिसी संशोधन करती है, बस सभी परिवारों को जो 3000 केस इस टाइम पेंडिंग है उनको वन टाइम रिलैक्सेशन के माध्यम से अगर सरकार जो है आने वाले कैबिनेट में मोहर लगाती है तो सरकार के इस फैसले को जो हम धन्यवाद रैली से जो हम इस फैसले का स्वागत करेंगे जी। बता दें कि प्रदेश में 3000 करुणामूलक परिवार हैं जिनके केस पेंडिंग हैं। पिछली सरकार के दौरान करुणामूलक संघ के लोगों ने लंबे वक्त तक आंदोलन भी किया मगर कोई संतोषजनक समाधान न मिला। पिछली सरकार के दौरान कुल 5000 परिवारों को करुणामूलक के आधार पर नौकरी की आशा थी जिसमें 2000 की भर्ती हुई। अभी प्रदेश में 3000 करुणामूलक परिवारों का आंकड़ा है जिन्हें नई सरकार से नौकरी की आस है।